अगर आपको यहाँ से दर्द चलती है, यहाँ से यहाँ आती है और इस तरीके से जाती है, इसका मतलब श्याटिका बन गया है आपको। श्याटिका क्या होता है मैं दिखा देता हूँ। श्याटिका में क्या होता है कि हमारा जो L4 L5 का मणका है ना, ये L4 है, ये L5 है और ये S1 है। डिस्क ना इस तरीके से निकल जाती है और नस को दबा देती है। जब ये नस दब जाती है तो नस का फ्लो बंद हो जाता है। फ्लो बंद होने के बाद पेन नीचे टांग की तरफ, थाई की तरफ और टखने की तरफ जाने लगता है। कई बार ये पेन बहुत ज़्यादा तेज़ भी होता है, कभी माइल्ड भी होता है, कभी सूनापन भी आ जाता है, कभी आगे भी आ जाता है, कभी पीछे भी आ जाता है, कभी साइड में आ जाता है। ये सारे सियाटिका के साइन हैं। और जब तक सियाटिका नहीं जाएगा तब तक ये नस यहाँ से खुलेगी नहीं, जब तक ये नस स्ट्रेच नहीं होगी, जब तक इस नस का बहाल दोबारा से, जो नर्व फ्लो है दोबारा से बहाल नहीं होगा। तो मैं आपको 4 सिंपल स्टेप बताने वाला हूँ जिससे आपका नस का फ्लो दोबारा से बहाल हो जाएगा। ये 4 करेंगे आप लगातार 2-3 हफ्ते तक, मुझे लगता है इसमें आपको बहुत अच्छी से राहत मिल जाएगी। जो पहला स्टेप है उसमें आप फर्श पे लेट जाइए और प्लास्टिक की कुर्सी लगा लीजिए इस तरीके से, घुटने आपके बेंट होने चाहिए, और आप 15 मिनट इस तरीके से शांति से लेटे रहें। सांस लें छोड़ें, सांस लें छोड़ें, कुछ नहीं करना, बस आपको इस तरीके से लेटे रहना है। इससे क्या होगा, हमारी जो कमर है बिल्कुल फ्लैट हो जाती है। फ्लैट होने के बाद PLL पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट स्ट्रेच होता है और स्वेलिंग कम होती है। स्वेलिंग कम होगी तो नस का दबाव कम होगा। तो पहला स्टेप ये है। दूसरे स्टेप्स में करना क्या है कि आपको इस तरीके से नी को ग्रैप करना है और अपनी छाती से मिलाना है। हर बार खींच के रखेंगे 5 सेकंड के लिए, 1 2 3 4 5, जैसे ही होता है आपने बिल्कुल सीधा कर देना है, ठीक है। फिर आप दूसरे को पकड़िए, इसको भी खींच के अपनी छाती से मिला लीजिए, इसको भी 5 गिनी है, 1 2 3 4 5, इस तरीके से। तो दोनों को रिपीट करते रहिए 20 से 25 बार, 25 बार इस पे और 25 बार इस पे, दोनों पे करते रहिए, ठीक है। तो मतलब आपको करीबन करीबन 5 मिनट के आसपास लगने चाहिए। ये दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप बताने वाला हूँ। तीसरे स्टेप में आप इस तरीके से मैट पे लेट जाइए और हाथ अपने दोनों फैला लीजिए और अपने लेग इस तरीके से क्रॉस कर लीजिए। हम करने वाले हैं साइड टू साइड मोशंस। इस तरीके से आप करेंगे, नेक दूसरी तरफ जाएगा, हाथ नहीं उठेगा, ये ग्राउंड पे ही रहेगा। इस तरीके से अब इस तरफ और इस तरफ, ठीक है। अब इसका फ़ायदा बता रहा हूँ। जब आप ये हम लोग इस तरीके से कर रहे हैं तो जो स्पाइन है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ऐसे घूम रही है दोनों तरफ, इस तरफ गया और फिर इस तरफ गया। तो अगर आप देखें पल्विस हमारा घूम रहा है, इससे फ़ायदा क्या होगा, जो हमारे जॉइंट है पीछे से दिखा रहा हूँ, तो इसका फ़ायदा मैं बता रहा हूँ। तो जिस तरीके से हम मोबिलाइज़ कर रहे हैं तो ये हमारा क्लॉकवाइज जाता है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज जाता है। तो इस तरीके से हमारी स्पाइन घूमती है, पल्विस हमारा इस तरीके से घूमता है दोनों तरफ, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारे जो जाइगोफेशियल जॉइंट है, फैसेट जॉइंट जो है, वो मोबिलाइज होंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ इस तरीके से घूमेंगे। उससे नर्व इरिटेशंस फैसेट जॉइंट की वजह से जो है वो कम होएगा, मसल स्पाजम, पैरास्पाइनल मसल का स्पाजम कम होगा, मसल्स की एट्रोफी है वो कम होगी, ब्लड फ्लो बढ़ेगा, और ये बहुत ही फ़ायदेमंद एक्सरसाइजेज है। इसमें कड़क कड़क की साउंड लेफ्ट या राइट करते समय आ सकती है, ऐसा होना नॉर्मल है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको ध्यान रखिए, पहला इस तरीके से एक लेग इस पे है, इसके बाद चेंज कर लीजिए 5 मिनट के बाद दूसरा वाला लेग। तो इसको भी आप 5 मिनट तक इस तरीके से दोहराते रहिएगा, ठीक है। इसमें भी कड़क आ सकती है, कड़क आना बिल्कुल नॉर्मल है। चौथी एक्सरसाइजेज जो है वो है ब्रीजिंग एक्सरसाइजेज, जिसको बोलते हैं सेतु बंद आसना। आपने बार बार सुना होगा, इसको सही करने का तरीका मैं बताता हूँ आपको। उठाइए ऊपर, जैसे ही आप उठाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं उठाना, बस इसके पैरेलल होना चाहिए। उठाने के बाद बटक स्क्वीज़ करिए ऐसे 5 सेकंड, 1 2 3 4 5, छोड़ दीजिए, नीचे जाइए, नीचे टिकाइएगा मत, ग्राउंड पे टिकाइएगा मत, जाते रहिए जाते रहिए जाते रहिए, टिकाइएगा मत, और यहीं से उठाइए, फिर से स्क्वीज़ करिए बटक्स, 1 2 3 4 5, छोड़ दीजिए, नीचे जाइए, ग्राउंड पे टिकाना नहीं है। फिर से उठाएंगे, स्क्वीज़ करिए बटक्स, 1 2 3 4 5, और नीचे जाइए, ग्राउंड पे टिकाइएगा मत। तो ये है ब्रीजिंग, मॉडिफाई ब्रीजिंग। इसमें क्या होगा, आइसोमेट्रिक हम ग्लूटियल की भी कर रहे हैं और साथ के साथ में हम एक तरीके का मोबिलाइजेशंस भी कर रहे हैं एक्सटेंशन पैटर्न में। ये एक मिक्स्ड और एक्सटेंशन पैटर्न आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है, ब्रीजिंग का मॉडिफिकेशन है, बहुत ही फ़ायदेमंद होती है ग्लूट को मजबूत करने के लिए, लोअर पैरास्पाइनल मसल को स्पाजम को कम करने के लिए और स्ट्रेंथनिंग करने के लिए, ओवरऑल आसपास जो एसेसरी एसोसिएटेड मसल्स हैं स्पाइन की, बहुत ही फ़ायदेमंद। इसको भी 5 मिनट दोहराते रहिए, कम से कम 50 स्टेप ज़रूर करिए इसका।
पांचवी एक्सरसाइजेज जो है वो है एक्सटेंशन पैटर्न की, मिक्स्ड एक्सटेंशन पैटर्न की। इसमें पूरा तरीके से एक्सटेंशन नहीं होता, सुपरमैन एक्सरसाइजेज है ये, ठीक है। इसमें इस तरीके से आप हाथ ऊपर कर ले थोड़ा सा, 10 10 12 डिग्री, 15 डिग्री के आसपास, 15 मैक्सिमम, और हल्का सा लेग उठा ले, बस ग्राउंड से उठे हैं, खींचना नहीं है, बस ग्राउंड से उठ जाएगा। दोनों उठाने के बाद हल्का सा गर्दन ऊपर कर लें, और उठने उठाने के बाद यहाँ से स्क्वीज़ कर लें बटक्स अपने। तो इस तरीके से करेंगे आप, इसको भी 5 सेकंड काउंट करना है, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। फिर से देखेंगे हम इसको, ऊपर उठाइए हाथ को हल्का सा, पाँव हल्का सा उठा लें, गर्दन हल्की सी उठा लें, और बटक्स को स्क्वीज़ कर दें, 1 2 3 4 5। सो आइसोमेट्रिक एक्सटेंशन पैटर्न एक्सरसाइजेज है ये। अगर प्योरली एक्सटेंशन करेंगे तो दर्द बढ़ता है, तो इसलिए एक्सटेंशन मत करिए, डिस्क बल्ज में एक्सटेंशन से दर्द बढ़ता है। ये आइसोमेट्रिक एक्सटेंशन पैटर्न है, इसमें बहुत ही कम एक्सटेंशन करा गया है, बहुत ही 10 15 डिग्री के आसपास एक्सटेंशन करा गया, तो सेफ़ है और इससे बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। इससे पीएल स्ट्रेच होता है, फैसेट जॉइंट मोबिलाइज होता है, इससे एक्सटेंशन पैटर्न की मसल, एक्सटेंशन जो मसल्स हैं उससे एक्टिवेट होती है। तो ये 5 स्टेप करके आप अपने कमर का दर्द घर बैठे बिल्कुल ठीक कर सकते हैं।